बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं, वो बोलते हैं यार मेरा वेट लूज़ नहीं होता है, मैं चाहे कितना भी कम खाऊं, इवन मैं अगर पानी पी के भी रहूं तो भी मैं वेट लूज़ नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं जो कहते हैं यार मैं कुछ भी खा लूँ, मैं दिन भर खाता रहूँ, फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता है। सो प्रॉब्लम क्या है, क्या है इसके पीछे का, साइंस क्या है, वो सारी बातें करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। सो एंश्योर करें इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक रेड कलर की बटन बनी है उस पर जाके बस आपको क्लिक करना है अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज़ आपको टैप करना है अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और बेल आइकन पे भी आप जाके प्रेस कर सकते हैं जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो अपलोड जब भी होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी उसकी और आप जल्दी से जल्दी उसे देख सकेंगे। सो ये तो बातें हो गई सब्सक्राइब करने की, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या आती है। बेसिकली अगर बात करें बॉडी टाइप की, तो सबकी बॉडी टाइप जो होती है वो डिफरेंट होती है। बेसिकली तीन तरह की बॉडी टाइप्स होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टोमॉर्फ के बारे में। वो लोग जो कहते हैं हमारा वेट गेन नहीं होता है चाहे हम कुछ भी खा लें, तो एक्टोमॉर्फ जो होते हैं बेसिकली उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिससे वो जो भी खाते हैं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बॉडी में फैट या मसल्स बनाने में वो ज़्यादा हेल्प नहीं करता, वो सीधे सीधे एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। सो ये प्रॉब्लम होती है एक्टोमॉर्फ के साथ। सो वो हार्ड गेनर होते हैं, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उन्हें वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होने की वजह से। लेकिन उनके साथ में एक बेनिफिट भी है, लाइक इस तरह के जो लोग होते हैं वो कितना भी खा सकते हैं, लाइक कुछ भी फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। सो उनके बॉडी पे फैट इजीली नहीं चढ़ता, यानी उनका पेट जल्दी नहीं निकलेगा या उनके गाल जल्दी भरेंगे नहीं, ब्लॉटेड बॉडी नहीं होगी उनकी जल्दी। सो ये उनको फ़ायदा रहता है। साथ ही साथ में जब ये वेट गेन करते हैं, लाइक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है डेफिनेटली, बट जब ये गेन करते हैं तो लीन मास बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है एक्टोमॉर्फ होने का। सो अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। और दूसरी टाइप की जो बॉडी होती है वो होती है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी से अपना वेट गेन कर लेते हैं, लाइक अगर वो कम कैलोरीज भी ले रहे हैं तो भी उनकी बॉडी जो है ऐसे रिएक्ट करती है, उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है जिसकी वजह से उनका वेट बहुत जल्दी गेन होने लगता है। फैट कंटेंट जो होता है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, फैट परसेंटेज तेज़ी से बढ़ता है। सो ऐसे लोग होते हैं एंडोमॉर्फ। सो एंडोमॉर्फ की भी लेकिन एक स्पेशलिटी होती है कि जो एंडोमॉर्फ लोग होते हैं वो इजली वेट गेन कर सकते हैं, साथ ही में वेट गेन अगर होगा तो डेफिनेटली फैट के साथ आपका मसल भी थोड़ा गेन होता है। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो प्रोटीन वगैरह ढंग से ले रहे हैं तो आपका साथ में मसल्स जो होता है मसल वेट वो भी बढ़ता है। सो मसल बढ़ने के साथ साथ आप में स्ट्रेंथ भी आती है। तो ज़्यादातर जो रेसलर्स होते हैं वो एंडोमॉर्फ कैटेगरीज में आते हैं, जो एंडोमॉर्फ कैटेगरी उसमें आते हैं। सो अगर आप एंडोमॉर्फ है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप जल्दी अपना वेट गेन कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं अपनी। और तीसरी जो सबसे अच्छी कैटेगरी है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं वो होती है मेसोमॉर्फ की। मेसोमॉर्फ ऐसे लोग होते हैं जो इजीली अपना वेट गेन कर सकते हैं, इजीली अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर दोनों की क्वालिटी होती है, मीन्स एंडोमॉर्फ की और एक्टोमॉर्फ की दोनों की क्वालिटी इनके अंदर होती है। सो ये दोनों ही तरह की चीज़ें ईजिली कर सकते हैं। सो इनका बॉडी फ्रेम भी काफ़ी अच्छा होता है, इनका वी टेपर्ड जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी होती है वी शेप में होती है पहले से। और अगर ये थोड़ा बहुत ही वर्कआउट करें सो रिज़ल्ट फिर भी उनके बॉडी में दिखता है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा होता है और ये सारी क्वालिटी होती है इनकी। सो अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं या आप एंडोमॉर्फ हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप उस अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट बनाएं, उस अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम फॉलो करें क्या कैसे आपको करना है। लाइक अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं तो आपको कार्डियो बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैं ये नहीं कहता हूँ कार्डियो करना ही नहीं है, कई लोग में ये मिसकंसेप्शन होती है कि वो कार्डियो करना छोड़ देते हैं। सो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको कार्डियो करना है बट वीक में एक दिन करिए या दो दिन करिए, और रनिंग वगैरह आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि बेसिकली करना क्या आपको, आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है, यानी कि आपको जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आपको उससे ज़्यादा कैलोरी लेनी पड़ेगी, फिर आपका वेट गेन होगा। सो अगर आप रनिंग में या कार्डियो में अपना जो भी कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरी जो आप ले रहे हैं अगर आप बर्न कर लगेंगे तो आपकी बॉडी जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज होल्ड नहीं करेगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज उसे नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी गेन नहीं करेगी, मसल्स या वेट आपका गेन नहीं होगा। सो आपको कार्डियो कम करना है, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप जब भी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपकी मसल्स आपके मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं वो
टिश्यूज ब्रेक होंगे और फिर उसके बाद से आप अगर डाइट ढंग से लेंगे अपनी प्रोटीन डाइट में बेसिकली प्रोटीन और कार्ब्स ज़्यादा लेना है. कार्ब्स इसलिए लेना है क्योंकि ग्लाइकोजन लेवल आपका ये बढ़ाता है. सो ग्लाइकोजन अगर आपका सही रहेगा तो आपको एक एनर्जी मिलती रहेगी जिससे आप हेवी लिफ्ट कर सकेंगे. हेवी लिफ्ट करेंगे तो उससे आपके टिश्यूज़ जो होंगे वो ब्रेक होंगे, जो आपके फाइबर्स से मसल्स में वो ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद जब फिर से वो रिपेयर होंगे अच्छे न्यूट्रिशन से अच्छे खाने से तो वो थोड़े से सॉलिड होंगे और धीरे धीरे आपका मसल वेट गेन होता जाएगा. सो ये बात हो गई एक्टोमॉर्फ की. सो आप वीक में 4 दिन एक्सरसाइज करें, 1 दिन कार्डियो कर सकते हैं, 1 से 2 दिन अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो एक्सरसाइज करेंगे उसके बीच में गैप दें. लाइक अगर 1 दिन बाइसेप्स ट्राइसेप्स कर रहे हैं तो बीच में एक गैप देना चाहिए. ये नहीं कि आप रोज़ बाइसेप्स कर रहे हैं या रोज़ ट्राइसेप्स कर रहे हैं. कोई भी मसल ग्रुप करें उसे रेस्ट दें. प्रॉपर 48 आवर्स का कम से कम रेस्ट होना चाहिए जिससे उसकी रिकवरी ईजिली हो सके. सो ये हो गए एक्टोमॉर्फ की बातें. और दूसरी चीज़ है एंडोमॉर्फ जो हैं, एंडोमॉर्फ वाले लोग जो भी हैं उन्हें कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्हें कैलोरी डेफिसिट में आना है. सो कैलोरी डेफिसिट में आने के लिए आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको आउट करनी पड़ेगी. यानी कि अगर आप 1500 कैलोरी ले रहे हैं तो या तो आप 1500 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो भी है उससे कम लें, और बाकी जो बर्न करने का प्रोसेस आप रनिंग से, कार्डियो से, चाहे आईटी से, टबाटा से, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू आप बर्न कर सकते हैं अपनी कैलोरीज को. सो आप उस पर फोकस करें प्लस क्लीन डाइट लें. आपका जो डाइट रहेगा, जो डाइट चार्ट रहेगा, जैसा कि मैंने अपने डाइट चार्ट वाले वीडियो में बताया था कि आपका डाइट चार्ट जो रहेगा वो बेस्ड रहेगा प्रोटीन पे. प्रोटीन और फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी लेनी है. जो आपका एनर्जी सोर्स होगा वो प्रोटीन प्लस फैट होगा. कार्ब्स कम से कम रखना है, कार्ब्स को आपको कट करना पड़ेगा. सो आपको डाइट चार्ट अपनी उस अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी. सो आपको अपना डाइट में कार्ब्स कम करना है, कार्डियो एचआईटी और जुम्बा वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है. वेट लिफ्टिंग भी करनी है बट पहले थोड़ा सा फैट कट करना है, उसके बाद वेट लिफ्टिंग पे फोकस करेंगे. वेट लिफ्टिंग भी खैर 2 से 3 दिन आप वीक में करें, बट ज़्यादा आप कार्डियो, जुम्बा, एरोबिक्स इन सब पे ध्यान दें. मतलब रिपीटेशन नहीं करना है कि रोज़ रनिंग ही कर रहे हैं या रोज़ एरोबिक्स ही कर रहे हैं. थोड़ा सा चेंज करते रहिए जिससे बॉडी हैबिचुअल ना हो और रिएक्ट करें, और थोड़ा लेवल अपना बढ़ाइए. लाइक अगर एक दिन आप एक वीक आप 20 मिनट दौड़ते हैं तो अगले वीक ट्राई करिए कि 25 मिनट हो, 30 मिनट हो. तो थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते रहना आपको. सो ये हो गई बातें आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो बॉडी टाइप जिस तरह से उस तरह से आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए. मेसोमॉर्फ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा ही करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका, क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो काफ़ी सही है. फ्रेम आपका वी टेपर्ड फ्रेम है और आपकी बॉडी भी फास्ट रिस्पॉन्ड करती है, जो भी न्यूट्रिशन उसे मिलता है जल्दी अब्जॉर्ब करती है और रिजल्ट जल्दी मिलते हैं आपको. सो ये हो गई बातें बॉडी टाइप की. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. सो तब तक के लिए बाय बाय.